A circular wire of radius 115 cm is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 120 cm. The angle subtended by it at the center is. तो अगर हम देखेंगे circumference क्या होती है किसी भी triangle की, तो वो होती है equal to 2 pi r. तो जो हमारा circle है पहले वो किस radius में था, 15 cm, तो उसकी circumference कितनी हो जाएगी? It is equal to 2 into pi into 15, which is equal to 13 pi centimeter, sorry 30 pi centimeter. ये हो गई circumference. अब क्या कर रहे हैं हम, अगर हम देखेंगे तो हम angle subtend कर रहे हैं किस पे, 120 cm पे, है ना. इसके इस पूरे वायर को हम 120 cm radius के along bend कर रहे हैं. तो अब हमें पता है किसी भी थीटा एंगल पे जो बेंड करा हुआ होता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होती है, r into थीटा. तो यहां पे r की वैल्यू क्या है इसके लिए, हुप के लिए 120 cm. अब थीटा की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, तो थीटा इज थीटा और ये पूरी लेंथ किसके इक्वल है, 30 पाई के इक्वल है, तो जगह 30 पाई. तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू 30 पाई बाय 4. तो यहां से आ जाएगी 30 पाई बाय 120 व्हिच इज इक्वल टू पाई बाय 4. और पाई बाय 4 क्या होता है, पाई मींस 180 डिग्री. तो अगर हम इस थीटा को डिग्रीज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, ये पाई बाय 4 इनटू 180 डिग्री. तो वैल्यू क्या जाएगी, यहां से हमने पाई को हमने डायरेक्टली 180 डिग्री पुट कर दिया, आई मीन तो हो जाएगा इट इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो एंगल कितना जाएगा, ऑप्शन सी 45 डिग्री.